जी, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से है, व्हाट इज मेंट बाय फेज एंगल, डज इट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स। फेज एंगल का क्या मतलब होता है और क्या फेज एंगल वो है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के दरमियान होता है, उस एंगल को कहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि फेज एंगल जो है, दस फेज एंगल स्पेसिफाइज फेज एंगल स्पेसिफाई करता है किसको, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, कि वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ उसकी मैग्नीट्यूड बताता है, एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉइंट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उसकी मोशन का डिस्प्लेसमेंट, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उसकी मैग्नीट्यूड बताता है, और वो किस तरफ जा रहा है उसकी डायरेक्शन बताना फेज एंगल का काम है। तो इसका मतलब हुआ कि दस इट डिटरमिन्स द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग पॉइंट। जो फेज एंगल है वो एक ऐसा पॉइंट जो वाइब्रेट कर रहा है, जो ऑसिलेट कर रहा है, उसकी उसने स्टेट ऑफ मोशन बतानी होती है, और इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इसमें ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, जो टी टाइम है। अच्छा, दूसरा सवाल था कि डज इट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स। द आंसर इज नो, इट डज नॉट डिफाइन द एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स। तो फिर ये क्या है, रादर इट इज द एंगल विच द रोटेटिंग वैक्टर मेक्स विद द रेफरेंस लाइन। वो जो रोटेटिंग वैक्टर होता है, वो ये अगर हम रेफरेंस लाइन लेते हैं, तो जो वैक्टर रोटेट कर रहा है उसके और रेफरेंस लाइन के दरमियान जो एंगल है उसको हम फेज एंगल कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अंडर वॉट कंडीशंस डज द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस produce a resultant which is also simple harmonic motion। वो कौन सी conditions हैं जिनके पूरा होना ज़रूरी है, किस लिए कि दो motions हैं, दोनों simple harmonic motion हैं, दोनों को हम add करते हैं तो उनका जो resultant है वो भी simple harmonic motion हो, उसके लिए कौन सी conditions का पूरा होना ज़रूरी है। तो तीन एक conditions हैं, उनको देखते हैं। The resultant of the addition of two simple harmonic motions will be simple harmonic if the following conditions are satisfied। कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस की एडिशन का जो रिजल्टेंट है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएं। द टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या तो उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और अगर है तो फिर वो कांस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट देयर मोशंस, और सेम नेचर, दोनों की नेचर एक जैसी होनी चाहिए। यानी अगर दोनों वेव्स मैकेनिकल हैं, एक वेव मैकेनिकल है तो दूसरी भी मैकेनिकल हो, अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो फिर दूसरी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, नेचर सेम होनी चाहिए। तो तीन कंडीशंस हैं, सेम फ्रीक्वेंसी, जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और तीसरी बात है सेम नेचर। पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। शो दैट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज जीरो when the velocity is greatest and the velocity is zero when the acceleration is greatest। बताएं कि एक ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो उसके लिए जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलासिटी मैक्सिमम होगी, और जब वेलासिटी जीरो होती है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। लेट्स सी, फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन एंड वेलासिटीज आर गिवन बाय। एक ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है उसकी वेलासिटी और एक्सेलरेशन के ये फार्मूले, इनको याद रखना है। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसमें ए एक्सेलरेशन है माइनस उसकी डायरेक्शन को शो करता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एक्स उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी के लिए वी इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, इसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एक्स नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और एक्स इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अब मीन पोजीशन की बात करते हैं। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट एक्स जीरो होता है, तो इस इक्वेशन में जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो एक्सेलरेशन 0 आएगा। अच्छा, इस इक्वेशन में जब हम इस x की जगह 0 रखेंगे तो आंसर आएगा x नॉट स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा x नॉट के ऊपर जो स्क्वायर है उसके रूट से कट जाएगा, तो बाकी बचेगा ओमेगा x स्क्वायर एंड दैट इज मैक्सिमम। अच्छा, ये साबित हुआ कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन मिनिमम यानी 0 और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी यानी ग्रेटेस्ट। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पे चलते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स नॉट के बराबर होता है, तो जब हम इस इक्वेशन में एक्स की जगह एक्स नॉट रखेंगे तो ये फार्मूला बनेगा ए इज इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, दिस इज मैक्सिमम। जब इस इक्वेशन में जब हम इस एक्स की जगह एक्स नॉट रखेंगे तो एक्स नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा 0। तो इसका मतलब है कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी मैक्सिमम,
जबकि एक्सट्रीम पोजीशंस पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम और वेलोसिटी जीरो या मिनिमम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये सवाल है कि इसमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, कहा गया कि इन दोनों को एक्सप्लेन करें इन रिलेशन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सप्लेन द इक्वेशंस, द वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंड ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। पहली जो इक्वेशन है उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस इक्वेशन में वाई जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को, ए उसके एम्पलीट्यूड को, और ओमेगा टी प्लस फाइव उसके फेज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इसमें जो फाइव है वो इनिशियल फेज को डिस्क्राइब कर रहा है। दिस इक्वेशन शोज दैट वाई इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए। ओमेगा टी प्लस फाइव इज इट्स फेज एंगल एंड फाइव इज द इनिशियल फेज। दूसरी इक्वेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। This equation shows that A is the acceleration of a particle performing simple harmonic motion when its displacement is x and the negative sign, ये जो इस equation के अंदर negative sign है ये show करता है कि acceleration की जो direction है वो mean position की तरफ है। चलते हैं question number 11 की तरफ। Explain the relation between total energy, potential energy and kinetic energy for a body oscillating with simple harmonic motion। एक ऑब्जेक्ट है वो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है, इसको एक्सप्लेन करने को कहा जा रहा है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर रेजिस्टिव फोर्सेस यानी एक्सटर्नल फोर्सेस को हम इग्नोर करते हैं, उसको कंसिडर ना करें, तो एक जो ऑसिलेटिंग्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिकली, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहती है, कंजर्व रहती है। यानी इफ़ द रेजिस्टिव फोर्सेस आर नॉट कंसिडर्ड द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है, द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर ऑलवेज इंटरचेंजेबल। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज हमेशा एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकती हैं, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में। एट मीन पोजिशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम वेयर एज पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। याद रखें कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजिशन पर मैक्सिमम होगी जबकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। उसकी वजह यह है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं मीन पोजीशन से, तो उस वक्त उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करती है, तो मीन पोजीशन से गुजरते दौरान ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जबकि मीन पोजीशन पर आकर उसका एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है, हाइट मिनिमम हो जाती है, इस वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। जबकि एक्सट्रीम पोजीशन के इसका अपोजिट होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए रुकता है, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, उस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, जबकि वहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, हाइट मैक्सिमम होती है, लिहाजा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। दस एट एक्सट्रीम पोजिशन, एट मीन पोजिशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। एट एक्सट्रीम पोजिशन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Does some common describe some common phenomena in which resonance plays an important role? तो resonance का हमारी daily life में बहुत ही ज़्यादा किरदार है। Resonance basically होती क्या है? Resonance is the matching of two frequencies। अगर दो frequencies, यानी एक applied frequency है, एक natural frequency है, जब वो दोनों frequencies एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं तो उस phenomena को हम resonance कहते हैं। मिसाल के तौर पर हर शहर में कुछ ना कुछ एक दो तीन एफएम चैनल होते हैं, हर चैनल की एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है। मिसाल के तौर पे आप 101 मेगाहर्ट्ज़ का एक चैनल ले लें, आप अपना मोबाइल पकड़ते हैं, आप अपने मोबाइल की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं और 101 के बराबर लेके आते हैं। जब आपके मोबाइल की फ्रीक्वेंसी और रेडियो स्टेशन से आने वाले जो सिग्नल हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है तो इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। और रेजोनेंस के का फ़ायदा ये होता है कि उस सिग्नल के अंदर जो भी मैसेज होता है, ट्रैक होता है, सॉन्ग होता है, प्रोग्राम होता है, वो आपके मोबाइल पे या टीवी पे चलना शुरू हो जाता है। इसी तरह माइक्रोवेव ओवन में भी इसका जो है बहुत ज़्यादा किरदार है। तो रेजोनेंस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस: फॉर द ट्यूनिंग ऑफ रेडियो एंड टीवी सेट,
फॉर कुकिंग फूड इन शॉर्टेस्ट टाइम यूजिंग माइक्रोवेव ओवन. माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो है हम रेजोनेंस को इस्तेमाल करते हैं. फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन ऑफ सेफ एंड स्ट्रॉन्ग ब्रिजेज और बिल्डिंग्स. दुनिया भर में मजबूत पुल और बिल्डिंग्स बनाने के लिए, क्योंकि मिसाल दी जाए अगर जापान की, तो उसमें तकरीबन एक साल में 700 एवरेज जलजले आते हैं, तो वहाँ बिल्डिंग्स को और ब्रिजेस को मजबूत बनाने के लिए फिर डिज़ाइन इस तरह से बनाए जाते हैं कि जिस तरह की ऑसिलेशन हो, अर्थक्विक की जिस तरह की ऑसिलेशन हो, बिल्डिंग और ब्रिज और जो ऑफिसेज हैं वो उस हिसाब से ऑसिलेट करें ताकि जो नुकसान हैं उससे बचा जा सके. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12-13 की तरफ. इफ अ मैस स्प्रिंग सिस्टम इज हंग वर्टिकली एंड सेट इन टू ऑसिलेशंस, वाई डज द मोशन इवेंचुअली स्टॉप. एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम स्प्रिंग के साथ हैंग करते हैं और उसको ऑसिलेट करवाते हैं. थोड़ी देर के बाद उसकी जो ऑसिलेशन है वो रुक क्यों जाती है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है डैम्पिंग. जब एक ऑब्जेक्ट को हम ऑसिलेट करवाते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर के बाद उसका एम्पलीट्यूड ऐसा 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 छोटा होता जाता है और फिर वो इवेंचुअली अपनी मेन पोजिशन पर आकर रुक जाता है. ऐसी मोशंस को, ऐसी ऑसिलेशंस को जिसमें एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता डिसिपेट होती है, वो किसी भी वजह से हो, वो एयर फ्रिक्शन की वजह से हो, एयर रेजिस्टेंस की वजह से हो, किसी और वजह से हो, वो एनर्जी डिसिपेट होती रहती है, एम्पलीट्यूड कम होता रहता है और ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता, आप यहाँ से देख सकते हैं एक फिगर डायग्राम भी बनी हुई है, ये जो है एम्पलीट्यूड है. जो जो ऑब्जेक्ट जो है उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है तो उस टाइम के साथ साथ उसकी एनर्जी डिसिपेट होती है और वो इवेंचुअली जीरो पे आके रुक जाते हैं. सो व्हेन अ मैस स्प्रिंग सिस्टम इज हंग वर्टिकली एंड सेट इनटू ऑसिलेशन, इट्स मोशन इवेंचुअली स्टॉप्स ड्यू टू डैम्पिंग. डैम्पिंग क्या है? एनर्जी का डिसिपेट होना. दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज आल्सो नोन एज डैम्पिंग ऑसिलेशन. दिस प्रोसेस इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर. इसमें आप देख रहे हैं जो जो ऑसिलेशन बढ़ती है, आगे जाती है, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होती है, डैम्पिंग होती है, तो एम्पलीट्यूड छोटा होता जाता है और ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन पे आकर रुक जाता है. तो इस तरह हमने चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस देखे. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अल्फा साइंस एकेडमी ओपन करें यूट्यूब पे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए जो कि इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले दिनों में अपलोड होती रहेंगी, स्टे इन कॉन्टेक्ट विद आवर चैनल. और राइटिंग क्लू ये था कि आप ब्लैक और ब्लू मार्कर का जो है कॉम्बिनेशन बनाएं. अगर आप पॉइंटर से लिखते हैं तो ब्लैक एंड ब्लू पॉइंटर से लिखें, जो टेक्स्ट है उसको ब्लू से लिखें, हेडिंग जो है वो ब्लैक मार्कर से दें और उस टेक्स्ट के अंदर जो इक्वेशंस आती हैं उसको ब्लैक से लिखें. टेक्स्ट को ब्लू से रख लें और जो उसके अंदर जो इक्वेशंस हैं वो सारी ब्लैक से रख लें और हेडिंग भी ब्लैक से रख लें. और दो दो हाशिए ना लगाएं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है. एक हाशिया इधर और इधर काफ़ी है. और जहाँ क्वेश्चंस आप शुरू कर रहे हैं उसको प्रॉपर क्वेश्चन नंबर दें और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ भी एक छोटी सी लाइन लगाएं. आई होप कि ये वाला टिप आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा और ये वाली वीडियो और आइंदा आने वाली वीडियो भी आपके लिए मुफीद साबित होंगी. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को देखते रहें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.